प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शनिवार को इंदौर में रामनवमी पर इसनी नगर के बेलेश्वर महादेव मंदिर हादसे के घायलों और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिजनों से बातचीत भी की। पीड़ितों ने उन्हें हादसे की आप बीती भी बताई। हालांकि उन्हें सभी घरों में जाना था, लेकिन वह 2-3 घरों में जाकर लौट गए। इससे लोगों में नाराजगी है। परिजनों से मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, स्थानीय रहवासियों ने अवैध निर्माण की शिकायत की है। 7 दिनों में अवैध निर्माण तोड़ा जाए, वरना अवैध निर्माण और दोषियों के खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे। यह हादसा अवैध निर्माण का ही परिणाम है। अवैध निर्माण की नोटिस जमा दिए गए राजनीतिक, हम तो ये मांग करते हैं कि 7 दिन में अभी जो लोगों ने मांग रखी है सामने, इस सबको डिमोलिश किया जाए, तोड़ा जाए। और हम 7 दिन के अंदर नहीं किया, हम कोर्ट जाएंगे PIL में कि अपराधियों को दंडित किया जाए और इसको तोड़ा जाए। ये आज अवैध निर्माण का परिणाम है। लोगों ने सर क्या कहा, परिजनों से बात हुई आपकी? मेरी परिजनों से बात हुई, उन्होंने कहा कि किस तरह वो जीवित निकले, उन्होंने अपनी बातें बताई। और हमारी सरकार आएगी, हम रैपिड रेस्क्यू फोर्स बनाएंगे। हर ज़िले में, हर अपने बड़े नगरों में रैपिड रेस्क्यू फोर्स होनी चाहिए, जो 15 मिनट के अंदर पहुंच जाए। या हमारी फौज आर्मी 12 घंटे बाद पहुंची, कोई प्रबंध नहीं। और इसे हम स्मार्ट सिटी कहते हैं, शर्म की बात है।